अस्सलामुअलैकुम माशाल्लाह जी, यकीन बहुत खुश हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। देसी खुराक और दही घर का, लस्सी, ताज़ा मक्खन और चटनी, यकीन जाने जी बहुत 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 मज़ा आ रहा है। ऐसी दावत, ये मेरी दावत इन्होंने अरेंज किया है और उन्होंने स्पेशल मुझे कहा है दो बार। मैंने कहा जी दावत तो कबूल करूंगा, लेकिन एक मेरी मतलब डिमांड है। तो डिमांड मेरी ये है कि दावत में सादगी हो, तो देसी गजाएं, ये चीज़ें आजकल नापैद हो गई हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, अल्लाह पाक इन्हें मज़ीद तरक्की दे, इनके हक में माशाल्लाह अच्छा हो। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे पुराने दोस्त हैं ये, थोड़ा सा दूर हैं, बहुत अच्छा माशाल्लाह। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? यानी ये दावत शिराज, दावत शिराज इसके बारे में बाद में बताऊंगा मैं कि दावत शिराज क्या है। तो माशाल्लाह जी आजकल ये चीज़ नापैद है, नापैद होगी। पहले लोगों की उम्र बहुत लंबी लंबी हुआ करती थी सादा गजाओं की वजह से, तो आज गजाएँ जो हैं ये हमारी नाखालस हैं, सादा नहीं रही हैं, इसलिए बीमारियाँ भी हैं। तो अल्लाह पाक महबूब इसी देखें जी, आज कल हर तीसरा बंदा मैदे का प्रॉब्लम शो कर रहा है, मैदे का मरीज बन गया है, और उसकी रीज़न यही है कि वो जो खुराक खा रहे हैं ना जी, मुर्गन मसाले, चटपटी चीज़ें, इनसे अवॉइड करें। तो ऐसी चीज़ें चूँकि हैं नापैद हैं, ये मिलना मुश्किल है, अगर किसी को मैसर आती है तो इसे जो है ना वो दे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।